नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों ये अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको कभी ना कभी स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है, वो साइकिल का पैसा हो चाहे पोशाक का पैसा, यानी अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। लेकिन अब इस सारी योजनाओं का लाभ उनके सीधे यानी बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। इसको लेकर यानी कि बिहार सरकार द्वारा ई शिक्षा नाम के एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें उनका डाटा यानी कि जो भी जानकारी है अपलोड किया जा रहा है। तो किस तरीके से यानी कि डाटा अपलोड करना है इसके बारे में हम लाइव एक डाटा अपलोड करके दिखाएंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। दोस्तों ये डाटा अपलोड इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में जो भी योजनाओं का लाभ स्टूडेंट को दिया जा सके, चाहे वो साइकिल का पैसा हो, चाहे ड्रेस का पैसा हो, चाहे स्कॉलरशिप का लाभ जो उनको मिलेगा मैट्रिक इंटर पास करेंगे, डाटा पहले ही से अपलोड रहेगा तो भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो किस तरीके से इनका डाटा अपलोड करना है सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी प्रकार से हमेशा अपडेट वीडियो मिल सके। फाइनली दोस्तों पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, लाइव प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि हम कोई टीचर नहीं तो हम आपको लाइव नहीं दिखाएंगे, तो बल्कि ऐसा कुछ नहीं क्योंकि हमारे पास एक डाटा है, उसी डाटा के आधार पर आपको एकदम प्रूफ के तौर पर दिखाने वाला है कि किस तरीके से स्टूडेंट का जो भी है डाटा आपको अपलोड करना है ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पे। तो सबसे पहले बिहार एड की ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको आ जाना है जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पाएंगे तो होम के बटन पर आपको चले आएंगे और यहाँ पे सर्च बार का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको लिखना है ई शिक्षा कोर्स पोर्टल बिहार, उस पर सर्च के ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। अब जिसे सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा ई शिक्षा पोर्टल बिहार का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जिस इस पे क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताएगा जो कि आप यहाँ से देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जरूरी बात बता दें दोस्तों, अगर आप आम लोग हैं यानी कि बिहार के अगर जानता है आपके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो ये आप खुद से नहीं कर सकते, यानी पोर्टल का जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है वो टीचर के पास रहता है, यानी जिस भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके टीचर के पास दे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको ये यूजर आईडी पासवर्ड है, आपको सभी बच्चे का डाटा अपलोड करना है। तो ये बाकी सभी लोग ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। आपका जो भी जानकारी है जो भी डिटेल्स है आपको जहां पे आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां पे टीचर द्वारा मांगा गया होगा या अगर नहीं मांगा गया होगा तो आपको खुद से भी लेकर जाकर दे देना है। अब क्या क्या जानकारी देना है इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या डिटेल्स देना है, क्या क्या जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गया, क्या क्या जानकारी देना है वो आपको हम लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। या खुद अगर आप हमारे वीडियो टीचर अगर देख रहे हैं तो आपको एंड तक देखना है कि किस तरीके से बच्चे का जो भी डाटा है अपलोड करना है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले इसके पोर्टल के बारे में जानकारी दे दिएगा तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका इस पोर्टल पर डाटा अपलोड हो जाता है तो जो भी सरकारी योजनाओं का जो लाभ है जैसे साइकिल का पैसा हो गया, पोशाक का पैसा हो गया, जो भी बच्चे मैट्रिक पास करते हैं इंटर पास करते हैं उनका पैसा आता रहता है अगर डाटा सही अपलोड रहेगा तो, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे क्विक लिंक का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। क्विक लिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसका जो भी पोर्टल है आप इस पोर्टल पे चलेंगे जो कि देख सकते हैं शिक्षक लॉगिन अगले आदेश तक बंद रहेगा, ठीक है। इसमें जो कंडीशन दिया गया है शिक्षक के लिए अगले आदेश तक बंद रहेगा, लेकिन स्कूल के जो भी बात किया गया यानी कि सभी स्टूडेंट आवेदन नहीं कर सकते केवल टीचर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह का ऑप्शन दिया गया, सेलेक्ट यूजर टाइप का ऑप्शन, एक स्कूल द्वारा इसमें हो सकता है या एक ऑफिशियल जो है या अदर है, तो अदर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन आ जा रहा है। हम स्कूल के द्वारा हमारा यूजर आईडी है तो स्कूल इसमें डाल देते हैं, उस बाद जो भी पासवर्ड डालकर उस बाद यहाँ पे कैप्चा जो दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक करके साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसे साइन इन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पे आपका जो भी यूजर आईडी के माध्यम से आप लॉगिन किए होंगे उसका नाम वगैरह दिखाई देगा और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो सभी ऑप्शन के बारे में तो बात ना करेंगे, अगले वीडियो में हो सकता है अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अब फिलहाल आपको बता दें कि बच्चे का किस तरीके से डाटा अपलोड करना है यानी उस स्कूल में कितने टीचर हैं उसका जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, स्टूडेंट कितना है और भी यहाँ पे अपने स्टूडेंट का डाटा नहीं अपलोड हुआ होगा तो स्टूडेंट का डाटा कम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे स्टूडेंट इनरोलमेंट का ऑप्शन, तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट इनरोलमेंट का ऑप्शन दिखाई दे, यहीं पे देखेंगे तो स्टूडेंट इनरोलमेंट का ऑप्शन देखा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो सारा डाटा यहाँ से आ जाएगा, जिला कौन सा है, उसके बाद ब्लॉक कौन सा है मानी स्कूल का डाटा आएगा और क्लस्टर कौन सा है और स्कूल का नाम कौन सा है, उसके बाद वर्ग आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ये देखे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और यहाँ सेट सेक्शन का ऑप्शन देखेंगे तो कितने सेट सेक्शन हुआ है, कितने सेट रोल नंबर के माध्यम से देखेंगे तो कितना मैंने बच्चे का डाटा अपलोड हुआ है,
तो ये सारी चीज हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जोड़े का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बोला गया कि छात्र के पास आधार नंबर है, तो आपको पता ही होगा कि जब भी स्टूडेंट का आधार कार्ड है ही है तो उनका यहाँ पे एस रहेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आधार नंबर आपको डाल देना है जो भी स्टूडेंट का है, उसके बाद छात्र का नाम यहाँ पे लिख देना है जिस भी छात्र का आप कर रहे हैं अपलोड, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है इसमें लिख देना है, महिला है या पुरुष है जो भी है, बच्चे बच्चे इसमें मेल फीमेल की जानकारी दे देना है, उस पर टिक आउट करके ऑथेंटिकेट आधार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। डाटा यहाँ से फिल करके उस पर इस पर टिक आउट कर दीजिएगा, उस पर ऑथेंटिकेट आधार का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे प्लीज वेट का ऑप्शन दिया गया, थोड़ा देर आपको इंतजार कर लेना है। तो दोस्तों जैसे सबमिट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे थोड़ा देर इंतजार करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाए, जो कि देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन बहुत सक्सेसफुली, यानी कि जो भी आपका आधार की जो प्रक्रिया वेरीफाई आप कर लिए हैं और यहाँ पे जो भी छात्र का नाम लिखे हैं उनका नाम दिखाई देगा, आधार संख्या दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप जो सेलेक्ट किए होंगे, और जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा वर्तमान विद्यालय का विवरण, यानी कि वर्तमान में जो अभी है उसका विवरण आपको जानकारी भरना है। जैसे कि यहाँ पे सारा जानकारी तो रहेगा लेकिन वर्ग आपको कौन से क्लास में अभी है जो कि देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 इसका जी जानकारी आपको भर देना है, जो कि 4th 4th क्लास में हो गया, उस बाद खंडन आपको देखने को मिल जाए यही आएगा, उस बाद एडमिशन नंबर आपको डाल देना है, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे देखने को मिलेगा एग्जांपल में 71/2023 उसी तरह के स्टूडेंट का नामांकन एडमिशन नंबर होगा वो आपको डाल देना है, नामांकन की तिथि यानी किस दिन वो नामांकन कराए हैं उनका डेट डाल देना है, पंजीकरण यानी कि रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी बोला गया, तो व्यक्तिगत जानकारी में कुछ जानकारी आपको यहाँ से ऑलरेडी फिल रहेगी जो कि आपने ऊपर करा है, जैसे कि आधार कार्ड नंबर, उसके बाद छात्र का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट रहेगा, वहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे पिता का नाम भर देना है, माता का नाम भर देना है, उस पर जो भी कैटेगरी से आते हैं जो बच्चे वो कैटेगरी की जानकारी भर देना है, उसके बाद धर्म क्या है तो हिंदू है तो हिंदू, इस्लाम इस्लाम जो भी है उसका धर्म की जानकारी भर देना है, उसके बाद उनका एड्रेस जो भी होगा एड्रेस आपको भर देना है अच्छी तरह से, आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस होगा या अच्छी तरह से उनका एड्रेस भर दीजिएगा। नीचे के स्क्रॉल डाउन बोला गया क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा है, जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले की मतलब क्या इसमें यस करेंगे, यानी विकलांगता के प्रकार आ जाने, यानी कि जो भी स्टूडेंट अगर विकलांग होंगे तो यस करेंगे, अगर नहीं होंगे तो नो करेंगे, अगर यस करेंगे तो यहाँ पे जो भी विकलांगता के प्रकार है तो किस प्रकार का विकलांगता है जो कि यहाँ पे बताया गया है देख सकते हैं, तो आप विकलांगता इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है स्टूडेंट का या पेरेंट का जो भी है, उनके माता पिता का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या उनका स्टूडेंट का भी डाल सकते हैं, क्या माता पिता की जो भी आय है 1.5 लाख से कम है जो कि देख सकते हैं 1.5 लाख से कम है तो यस नो में जवाब दीजिएगा, अगर है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करेंगे, अगर यस कर दीजिएगा तो यानी कि 1.5 लाख से कम है, अगर अधिक है तो नो करिएगा, यहाँ पे आपको जानकारी भर देना। उसके बाद नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बैंक डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाए, जैसे बैंक खाता का विवरण भरना है तब यहाँ बैंक खाता डाल दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट डिटेल्स दिए होंगे ये तो जानकारी उनको उनसे पता चल पाएगी किनका अकाउंट है, इनमें ऑप्शन दिया जा रहा है कि खाता धारक है कौन है, जैसे फादर का हो गया, मदर का हो गया, या स्टूडेंट या कोई गार्जियन है उनका दे रहे हैं, तो माता पिता का भी दे सकते हैं, नहीं तो खुद स्टूडेंट खाते स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी उनका अकाउंट नंबर होगा यहाँ से भर दीजिएगा, खाता धारक का नाम आपको लिख देना है कि इनका खाता है फादर्स का है या मदर्स का है या स्टूडेंट का खुद का है, वो जानकारी भर देना, बैंक यहाँ से कौन सा बैंक है, उसके बाद IFC कोड डालकर उसके बाद इस पर टिक आउट करके जमा करने के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, सारा जानकारी आपको भर के सबमिट का ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जानकारी आपको भर देना है इसमें जो भी हमने बताया, यहाँ से एड्रेस अच्छी तरह से लिखिएगा आप, उसके बाद अकाउंट नंबर लिख देना है, खाता धारक का नाम लिख देना, किन का अकाउंट नंबर है उनका क्या है आपके साथ रिलेशन, जैसे कि जो भी स्टूडेंट का अकाउंट नंबर दिया जा रहा है उनका क्या है, जैसे मदर का अकाउंट नंबर दिए या फादर का, वो भी जानकारी आपको भर देना है, उनका कौन सा बैंक है, IFC कोड लिख कर उसे टिक आउट करके जमा करने का ऑप्शन जिस पर आपको क्लिक कर देना, इस तरीके से ऑप्शन आएगा कि आप सच में सबमिट करना चाहते हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, थोड़ा देर इंतजार कर लीजिएगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि जो भी आपने जानकारी दिया स्टूडेंट का सक्सेसफुली हो गया ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी क्लास सबमिट हुआ होगा तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाए, जैसे क्लास 1 का 6 स्टूडेंट का सबमिट हुआ, क्लास 2 का 1 स्टूडेंट का सबमिट हुआ, वहीं पे क्लास 6 का देखेंगे तो 1 हुआ, क्लास 8 का देखेंगे तो 1 हुआ, क्लास 4 का देखेंगे तो 1 हुआ। अभी डाटा देखना है कि इतने कैंडिडेट का हुआ है तो यहाँ पे दिखलाया जाए सी सेक्शन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, स्कूल का नाम आ जाएगा, वर्ग आपको सेलेक्ट करना है कौन से क्लास का देखना चाहते हैं, उस पर खोजी का ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो जो भी आपने डिटेल्स भरे होंगे उनका मतलब सभी स्टूडेंट का डाटा आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट का डाटा अपलोड किया गया, तो थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए क्योंकि वेबसाइट थोड़ा स्लो काम कर रहा है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर इंतजार करने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी स्टूडेंट का डाटा यहाँ सबमिट किए होंगे उनका नाम आ जाएगा, उनका पिता का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, क्लास कौन सा था, सेक्शन भी आ जाएगा, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि कौन से क्लास में कितने स्टूडेंट का डाटा अपलोड हुआ है, और यहाँ सेट रोल नंबर के माध्यम से भी आप देख पाएंगे जो कि देख सकते
इस तरीके से ऑप्शन आ जाए, क्लास फोर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा भागे, उसके बाद फौजी का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उनका भी डाटा आ जाएगा, जो कि अभी अभी हमने जो अपलोड किया उसका डाटा दिखाई दे रहा है। अपडेट रोल नंबर भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा वेबसाइट स्लो काम कर रहा है, यहाँ जाकर अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी स्टूडेंट का डाटा आपको अपलोड करना है तो अपलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।